गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में अध्याय 9 दीपावली पढ़ेंगे। दीपावली, दीपावली आप सबको पता ही होगा, भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। इसको पर्वों का देश भी कहते हैं। इन पर्वों में हिंदुओं का एक पवित्र पर्व दीपावली है, जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली, दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्तियाँ। दीप मीन्स दीपक, वली मीन्स पंक्तियाँ। दीपावली यानी दीपों की पंक्तियाँ। आज हम सभी आपके चैप्टर 9 में दीपावली पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी इस चैप्टर को ध्यान से देखिए और मेरे साथ पढ़िए। अस्माकं भारतवर्षे प्रतिवर्षं बहूनि पर्वाणि मान्यन्ते। हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। मान्यन्ते मनाए जाते हैं। तेषु पर्वेषु दीपावली हिंदूनां पवित्रं पर्व अस्ति। उन पर्वों में दीपावली हिंदुओं का पवित्र पर्व है। इदं पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को होता है। दीपमालिका, दीपमाला, दीपावली, चैते पर्याय शब्दा। दीपमालिका, दीपमाला और दीपावली इसके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी दीपावली को हम सभी दीपमालिका, दीपमाला नाम से भी पुकारते हैं। अस्य उत्सवस्य विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। इस उत्सव के विषय में एक कथा प्रचलित है। जनाः कथयन्ति यत् पुरा यदा श्रीरामचन्द्रः लंकापति रावणम् अजयत्, तदनन्तरं सः वनवासस्य अवधिं समाप्य अयोध्याम् आगच्छत्। लोग कहते हैं जब बहुत पहले श्री रामचंद्र लंकापति रावण को जीतकर उसके बाद वह वनवास की अवधि समाप्त करके अयोध्या आए, तदा अयोध्यावासिनः प्रसन्नो भूत्वा स्वगृहेषु राजमार्गेषु च दीपकान् प्रज्वालयन्। तब अयोध्यावासियों ने प्रसन्न होकर, भूत्वा मीन्स होकर, तब अयोध्यावासियों ने प्रसन्न होकर अपने घरों में और राजमार्गों पर दीपकों को जलाया। ततः प्रभृति भारते प्रतिवर्षं तस्मिन् एव दिने दीपावल्या उत्सवः भवति। ततः प्रभृति मीन्स तब से लेकर भारतवर्ष में प्रतिवर्ष इस दिन ही दीपावली उत्सव होता है। लोग कहते हैं कि बहुत पहले जब श्री रामचंद्र वनवास गए थे, तब वह लंकापति रावण को मारकर उस पर जीत हासिल करने के बाद अपने वनवास की जो उनकी अवधि थी 14 साल, उसको समाप्त करके जब अयोध्या लौटे थे, तब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। अमावस्या का समय था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तब लोगों ने उनके स्वागत में अपने घरों में और राजमार्गों पे दीपकों को जलाया था, जिससे प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था। इस प्रकार उन्होंने उनका स्वागत किया था। तो तब से लेकर अब भी लोग दीपावली को दीपक जलाते हैं और दीपावली मनाते हैं। अस्मिन् दिने विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः भवति। इस दिन विद्यालयों और कार्यालयों में अवकाश होता है। दीपावल्या दिवसे जनानां हृदयेषु महान उल्लासः भवति। दीपावली के दिन लोगों के हृदय में महान उल्लास, आनंद होता है। उल्लास मीन्स आनंद, आनंद होता है। जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति। लोग अपने घरों को साफ करते हैं। ते माला भी विद्युत दीपे मृत्तिका दीपे च गृहाणि मंदिराणि आपणानि च अलंकतानि कुर्वन्ति। अलंकतानि मीन्स सजाते हैं, सजावट करते हैं। माला भी, माला से विद्युत दीपे जो बिजली के दीपक होते हैं उनसे, मृत्तिका दीपे मिट्टी के दीपकों से, गृहाणि घरों को, मंदिराणि मंदिरों को, आपणानि दुकानों को अलंकतानि जाते हैं। बालका स्फोटकानि स्फोटयन्ति प्रसन्ना च भवन्ति। बच्चे पटाखों को फोड़ते हैं और प्रसन्न होते हैं। दीपावली के दिन बच्चे पटाखे खरीदते हैं और उनको बजाते हैं। उनको बजाकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
जनाः रात्रौ लक्ष्मी गणेशस्य पूजनं कुर्वन्ति। लोग रात में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। एवं सर्वे परस्परं मिलन्ति प्रसादं मिष्टान्नानि च खादन्ति। सर्वे में सभी और सभी आपस में परस्परं मीन्स आपस में और सभी आपस में मिलते हैं, प्रसाद और मिठाई खाते हैं। इस दिन दीपावली के दिन लोग सबसे पहले रात को गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके बाद वह सभी प्रसाद खाते हैं, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। दीपावल्या पर्व पावनताया उल्लासस्य च प्रतीकमस्ति। दीपावली का जो पर्व है वो पावनता यानी पवित्रता और उल्लास का प्रतीक है। उल्लास मीन्स आनंद। दीपावली पर्व पवित्रता और आनंद का प्रतीक है। यथा दीपकः अंधकारं नाश्यति तथा वयमपि अज्ञानस्य भेदभावस्य क्रीडाया च अंधकारं नाशयेम। जिस प्रकार दीपक अंधकार का नाश करता है, अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार हम लोग को भी अज्ञान के, भेदभाव के और घृणा के अंधकार को नाश करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। अयम एव अस्य पर्वणः संदेशः अस्ति। यह इस पर्व का संदेश है। जिस प्रकार दीपक अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार हम सबको भी अज्ञान, भेदभाव और घृणा का जो अंधकार है हम लोगों में, उसको दूर करना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए। यही इस पर्व का संदेश है। अहो रमणीय अयम प्रकाशोत्सव। हे सुंदर, यह प्रकाश उत्सव है, कह रहा है यह प्रकाश उत्सव बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इसके अभ्यास प्रश्न को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर और संस्कृत अनुवाद आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। आप सभी चैप्टर में सबसे पहले पिक्चर को ड्रॉ करिएगा, फिर वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और संस्कृत अनुवाद को करिएगा।